truck racing championship. The craze for truck racing is no less than a craze for a car or a bike race. And seeing the crowds behind me, one can't dissect the event. So Living Cars is here at the Bodh International Circuit in Greater Noida to show you all the action. Let's go trucking. Tata Motors announced the launch of T1 Prima Truck Racing Championship in 2014 in Delhi and introduced truck racing in India. This year, they came back again with Season 4 with 6 teams, 12 international racers and 20 Indian racers in 3 separate categories. If you're asking what is so great about it, then you need to see these interesting facts about this year's T1 Prima Truck Racing. मैं काली नॉर्मल ड्राइवर था मैं सब गाड़ी का ड्राइवर कैसा करता है मैं भी वैसा ही था लेकिन टाटा मोटर्स वाला ये ड्राइवर्स को ले के आके रेसर बन रहे हैं मेरे को बहुत टाटा मोटर्स को धन्यवाद दे रहे हैं ये देखिए 2015 लगभग दिसंबर में मेरे को मेरे ऑफिस से चेतक मोटर की तरफ से मेरे को कॉल आई जहाँ मैं जिस ट्रांसपोर्ट में मैं ड्राइविंग करता हूँ तो वो बोले कि टाटा मोटर्स की तरफ से बहुत बड़ा रेसिंग T1 प्राइमा ट्रक रेसिंग के तरह एक प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे मैंने कहा हाँ जी ज़रूर तो उन्होंने पूछा मेरे को कि आपने कभी रेसिंग की करी मैंने कहा नहीं बट शौक है करने का तो मैं अपनी ट्रांसपोर्ट की तरफ से टाटा मोटर्स में आया इधर रेसिंग करने के लिए तो उसमें फिर मुझे पिछले साल कई लेवल 2016 में जनवरी से स्टार्ट हो गया था यार तो 1, 2, 3, 4, 5 को लेवल पार करके मैं फाइनल में पहुँचा फाइनल में सेकंड नंबर पे आया था मैं While the sport started in the US and is common abroad, this is the only championship of kind in India. That is what makes it a big deal. मैं हमेशा हमेशा के लिए रेसिंग करना चाहता हूँ रेसिंग करने के बाद में विदेश भी रेस करना चाहता हूँ दिखाना चाहता हूँ कि हाँ इंडिया में भी रेसर हैं हमारी इंडिया किसी से कम नहीं है असल में पहले लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं था जब से पहले 2 सीज़न तो फॉरनर लोगों ने रेस की थी यहाँ पे जब पिछले सीज़न से इंडियन लोग रेस कर रहे हैं यहाँ पे आके तो इंडियन लोगों के रेस करने से लोगों को काफ़ी लोगों को पता चला इंडिया में कि ये रेसिंग का प्रोग्राम कैसा होता है बाकी लोग यूट्यूब पर देखते हैं यहाँ पर आके देखते हैं और काफ़ी इस चीज़ से बढ़ावा मिलता है रेसिंग प्रोग्राम को This is where all the F1 races are held, Bodh International Circuit in Greater Noida. It is one of the fastest motor racing circuit in the world. रास्ता का ड्राइविंग अलग है, रेस का ड्राइविंग अलग है, बहुत डिफरेंस है। उसको उसको कोई वो उसको उसको सेम करने से किधर भी नहीं होता है। वो इसमें भी सेफ्टी चाहिए, लेकिन इधर तुम्हारा सेफ्टी लेना है, तुम्हारे से तुम्हारा तरफ, बाहर देखना है, बाहर वाले का सेफ्टी देखना है। बहुत डिफरेंस है उसको भी उसको कंपैरिजन नहीं होता है बिल्कुल नहीं देखिए ये बिल्कुल अलग है रोड और रेसिंग ट्रैक बिल्कुल अलग है उसके रूल्स अलग हैं रेसिंग ट्रैक के रूल्स अलग हैं उसमें आपकी स्पीड लिमिट है रोड पे भी स्पीड लिमिट है बट उस वहाँ बहुत बचा के चलना पड़ता है लोग होते हैं रोड पर यहाँ ट्रैक पर सिर्फ आपकी गाड़ियाँ होते हैं वो जो आपके कंपटीटर होते हैं वो होते हैं तो ये इसमें टर्न ज़्यादा होते हैं बार बार टर्न आते हैं तो ये और उसमें बहुत रोड ट्रैक में और रेसिंग ट्रैक में बहुत बहुत बड़ा फर्क है T1 Racer program, which is one of India's most comprehensive motorsports training and selection process, is conducted by Tata Motors at the Madras Motor Race Track near Chennai. This program is aimed at identifying good trucking talent in order to train them to become good truckers. Out of 3,300 applicants, only 20 were selected for a training program and the best 10 were selected to the final race in the superclass category. मैं चेतक कंपनी का ड्राइवर था और जब ये टाटा वालों ने ये प्रोग्राम निकाला रेसिंग का तो कंपनी ने मेरी कंपनी ने मेरे मैनेजर ने मेरा भी नाम दिया इसमें कि आपने रेस लगाने के लिए जाना है रेस की प्रैक्टिस है चेन्नई में आपने जाना है तो मैंने तैयारी की मैं सर ठीक है मैं जाऊँगा तो गए वहाँ पे पहले तो पता ही नहीं था कि रेसिंग क्या होती है रेस ट्रैक कैसा होता है कहाँ पे ट्रक चलाए जाते हैं तो जब वहाँ पे गए वहाँ पे जाके देखे ट्रैक पे गाड़ी चलाते हैं कैसे चलाते हैं ये सब चीज़ें देख के बहुत बढ़िया लगा वहाँ पे जाके और ट्रेनिंग की इंस्ट्रक्टर लोगों ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से दी और वहाँ से हम लोग बहुत बढ़िया तैयारी करके यहाँ पर आए फिर इस ट्रैक के बारे में नहीं पता था ये भी मैंने पहले बार ही ट्रैक देखा था तो यहाँ पर भी आके प्रैक्टिस हुई हम लोग की 15-20 दिन
प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से चली और हम लोग फुल ट्रेंड हो गए बहुत अच्छी तरीके से. The selected participants from the T1 racer program took part in the superclass category, while 24 racers from the last year were invited for trials in the championship class, out of which only 10 were selected. Apart from Indian racers, Season 4 also saw 12 of the most accomplished racers from FIA, European Truck Racing Championship, competing in the championship for the first time. पहले साल 2016 में Season 3 में जीता एसओपल के सुपर क्लास रेस 2 में. अभी चैंपियन क्लास रेस में अभी सीजन 4 2017 में जीता था. मेरे को बहुत मज़ा लगता था और विनिंग वन आफ्टर विनिंग एंड वन विनिंग इज वेरी एक्साइटिंग टू मी एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम से गुड. नाम लिखा आया तो आज विनर बन गया. Well, the event has come to an end, but before we say goodbye, we leave you with a very special moment.